वो शर्म नहीं लगती यार कि क्या शटर उठाते हैं यार, भैंस नहलाते हैं हम तो भैया। काय की शर्म, अब इसी से स्टार्ट हुए, इसी से सब बने हैं, काय की शर्म करेंगे। जैसे मान लीजिए एक भैंस 1 लाख 1.5 लाख रुपए की आती है, आज के तुम 7.5 करोड़ जिसके पास होंगे तो काम नहीं करेगा, बट आपके अंदर मतलब कितना ऐसा पॉजिटिव माइंड है जो आप खुद से काम करने लगते हैं। अच्छा, 12 से लेकर 20 लीटर तक की भैंस है आपके पास। अच्छा, तो सर क्या कुछ प्रॉफिट हो जाती है आपको, जैसे आप 26 लीटर दूध बेचते हैं मार्केट में। सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन अप में। सर नमस्कार। नमस्कार। जो सर दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताएं, अपना नाम और अपने डेयरी फार्म का फुल एड्रेस। मोनू तिवारी, डेयरी फार्म करौंदा नाला। सर ये मोनू डेयरी फार्म कब शुरू किया था? ये सर हमने 1995 से चालू किया है। 1995 में? हाँ। किसने शुरू किया था? पापा ने, पापा जी ने। हाँ। जब 1995 में आपका डेयरी फार्म शुरू हुआ था तब आप भी साथ में शुरू किए थे या आप पढ़ाई कर रहे थे तब के समय में? हाँ, पढ़ाई भी कर रहा था और पापा के साथ हाथ भी बटा रहा था शुरू से। हाँ। अभी आपके लगभग कितने साल के हैं आप, कितनी एज है? 38 के। मतलब बचपन से ही आप डेयरी से लगा हो गया। हाँ। तो पिताजी ने सर कितने जानवरों से शुरू किया था? हमारे पिताजी ने 10 जानवर से शुरू किया था। 10 जानवरों से? हाँ। कहाँ से लेके आए थे ये? पंजाब रोहतक। पंजाब और रोहतक मतलब हरियाणा और पंजाब से लेके? हरियाणा पंजाब से। तो 10 भैंसों से शुरू हुआ था आपका काफिला। फिर आप कब? फर्स्ट में हमने किराए से डेयरी ली। अच्छा। फिर उसमें किराया देते रहे 3-4 महीने जी। फिर उन्होंने कहा हमको डेयरी बेचना है, फिर डेयरी लिए। धीरे धीरे ऐसे चालू किए हमने। धीरे धीरे चालू किया। हाँ। मतलब जमीन से जुड़े हुए हैं। हाँ, जमीन से जुड़े हुए। बिल्कुल। मतलब 10 भैंसों से आपने शुरू किया तो आप किराए पे पहले काम किए हैं। हाँ। तो 10 भैंसों से क्यों शुरू किया था सर, ज्यादा भैंसों से क्यों नहीं शुरू किया था? तो उतना पैसा भी नहीं था। अच्छा। हाँ। और जानकारी कहाँ से इकट्ठा किया था? जानकारी हम लोग के मामा लोग की डेयरी थी पहले से। अच्छा। यही अवस्थी डेयरी। जी जी। तो उनकी प्रेरणा हुई। हाँ हाँ। हमने काम स्टार्ट किया धीरे धीरे, लगन रही शुरू से। अच्छा, तो आप सर किस सन में आपने डेयरी से आपका लगाव हो गया, मतलब आप पूरी पूरी तरीके से करने लग गए? हाँ, 1995 से स्टार्ट किया। हाँ। और करीब 2-4 साल ऐसे पढ़ाई भी की साथ में, पापा का हाथ भी बटाया, फिर 2001 से हमने स्टार्ट किया, फिर आप भी आ गए। हाँ। तो अभी सर अपने पास कितने जानवर हैं? 500 जानवर हैं। 500 जानवर हैं? हाँ। छोटे बड़े लगा के? हाँ। क्या बात है सर। तो आपने मतलब 1995 में, जैसे 2024 चल रहा है। हाँ। 24 और 5 29। हाँ। 29 साल में आपने 500 जानवर कर लिए। हाँ। तो सर आपने परचेजिंग ज्यादा की है या बच्चे ज्यादा तैयार किए हैं? नहीं, परचेसिंग ज्यादा की है। परचेसिंग ज्यादा किया है। तो थोड़ा समस्याएं बताइए, क्योंकि आप जमीन से जुड़े फार्मर, जैसे आपने बताया 10 भैंसे आपने लिया, फिर किराए पे कुछ दिन किया, फिर धीरे धीरे करके आपने डेयरी फार्म बनाया। तो जो अभी अपने पास सर 5 तो नहीं, मतलब टोटल अपनी जमीन में बंधी हुई है कि कहीं दूसरे जगह? अपनी जमीन में बंधी हुई है। तो पहले अपने पास जमीन थी कि बाद में खरीदना पड़ा? बाद में खरीदना पड़ा। क्या बात है सर, जोरदार तालियां आपके लिए, क्योंकि आपने शुरू किया जैसे फादर साहब के सहयोग से, फिर आपने पूरा सारा कुछ अपना बना लिया। सर आपको कौन कौन सी समस्याएं आई? बहुत समस्याएं आई, जानवर बीमार हुए, शुरू में अनुभव नहीं था जी, फिर धीरे धीरे अनुभव हुआ। अच्छा। और कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जी जी, जैसे गलघोंटू। हाँ। और क्या बोलते हैं, बुखार उखार। अच्छा। और कई प्रकार की जानवरों में बीमारी होती है, एक मुंहपका की होती है, मुंहपका, खुरपका। हाँ। अच्छा, तो फिर इन सबसे चैलेंजेस से कैसे सर आप बचे, कैसे आपने सीखा? सब धीरे धीरे डॉक्टरों से थोड़ा सीखा, थोड़ा खुद प्रयास किया, धीरे धीरे चलता गया, होता गया, समझ आ गई। अच्छा। हाँ। तो मतलब पूरा सीख गए डेयरी से? पूरा सीख गए। अच्छा। तो सर इस समय भी 500 भैंसों में कितनी भैंसे आपके दूध दे रही हैं? 500 भैंसों में वही 400 करीब दूध दे रही है, 100 भैंसे छुटेला है। अच्छा। एक डेयरी अपनी और है परियट में। अच्छा। हाँ, भैया देखते हैं उधर। किस नाम से है? यही प्रकाश चंद तिवारी। प्रकाश चंद तिवारी डेयरी फार्म से ही है। हाँ। तो 100 भैंसे आपकी बाकड़ी है। हाँ। 400 भैंसे दूध दे रही हैं। 400 भैंस दूध। अच्छा, जो सर बाकड़ी भैंसे हो जाती है उनको आप क्या पालते हैं या आप किसानों को? नहीं नहीं, खुद पालते हैं। खुद पालते हैं, तैयार करते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब दूसरों को नहीं देते? नहीं नहीं, खुद से पालते हैं। खुद से पालते। तो अभी आप साल में भैंसे खरीदते हैं या अपनी भैंसों से काम चल जाता है? नहीं, हर साल खरीदते हैं और बढ़ाते जाते हैं। अच्छा, वे बढ़ाते भी जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। तो आपने सर कितने पड़े रखे हैं, लगभग कितने बुल रखे हैं? 4 इस वाली डेयरी में है, 4 उस वाली डेयरी में। अच्छा, तो इस डेयरी में आप कितने जानवर रखे हैं? इस वाली डेयरी में 300 जानवर है। 300 जानवर है। और 200 जानवर उसमें भैया देखते हैं। अच्छा, तो अपने सर डेयरी फार्म का लगभग कितने बजे काम शुरू हो जाता है? सुबह 3 बजे से चालू हो जाता है। तो वही 6 बजे 7 बजे तक धोना होना हुआ, फिर इसके बाद नहलाना धुलाना,
अच्छा, पूरी धुलाई होगी डेयरी की, अच्छा 10 बजे तक कंप्लीट, फिर शाम को 1:30 बजे से फिर स्टार्ट होना पड़ता है। अच्छा हाँ। जैसे सर आपके पास 500 भैंसे हैं तो आपको शर्म नहीं लगती यार कि क्या सटर उठाते हैं यार, भैंसों को नहलाते हैं हम तो भैया? काहे की शर्म, अब इसी से स्टार्ट हुए, इसी से सब बने हैं, काहे की शर्म करेंगे। जैसे मान लीजिए एक भैंस 1 से 1.5 लाख रुपए की आती है, आगे तुम 7.5 करोड़ जिसके पास होंगे तो काम नहीं करेगा, बट आपके अंदर मतलब कितना ऐसा पॉजिटिव माइंड है जो आप खुद से काम करने लगते हैं? अब शुरू से किए हैं तो अच्छा लगता है काम करने में, अच्छा लगता है काम अच्छा करने लगता में है। अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड सर कितनी है अपने पास? वही 10 एकड़ करीब। 10 एकड़ करीब। तो जो इनका पशु है आपके पास 500, तो इनका भूसा का और दाना कैसे भंडारण करते हैं? सब खरीदना पड़ता है। तो आप भंडारण नहीं करते शुरुआत में जब करते आता है? जैसे ये गोदाम है, गोदाम में करीब 4 महीने के लिए रख लेते हैं। 4 महीने के लिए? हाँ, बरसात के लिए। बरसात के लिए, बाकी आता रहता है? बाकी आता रहता है। हरा चारा कैसे खिलाते हैं आप? हरा चारा भी रोज आता है रोज कांटे से खरीदते हैं और खिलाते हैं। तो आपको डेली गाड़ियां ढूंढनी पड़ती हैं हरे चारे की या कांटे नहीं, वाले नहीं, कांटे से बिल्कुल बंदी रहती है। हाँ हाँ हाँ। रोज उनका काम है भेजना। अच्छा, नियम से आपका परमानेंट काम है मतलब? परमानेंट हाँ। जैसे बात है कि हमें हरा चारा इतना चाहिए, हाँ हाँ, तो भेज देते हैं। भेज देते आप लगभग एक पशु को सर हरा चारा कितना खिलाते हैं? वही 10 किलो एक पशु को। और सूखा भूसा? सूखा भूसा भी ऐसे ही 10 किलो। 10 किलो हाँ। और दाने में क्या चल रहा है सर अपने डेयरी फार्म में? दाने में राहत चुनी है, मक्का है, बिनौला फली है, सरसों फली है, ये सब मिक्स करके देते हैं। सब मिक्स करके और कुछ साथ में मिनरल मिक्सचर? मिनरल मिक्सचर, नमक। जो आपके सर भैंस है लगभग लो से लो और हाई से हाई कितना दूध का उत्पादन करती है? भैंस तो 20-22 लीटर की भी है। अच्छा, 22 लीटर की भी है। और मिनिमम वाली? मिनिमम 12 लीटर, 12 से 14 लीटर तक मिनिमम। अच्छा, 12 से लेकर के 20 लीटर तक की भैंस है आपके पास? हाँ। अच्छा सर, कितने दूध का उत्पादन हो रहा है? वही करीब 2500 से 2600 लीटर। 2500 से 2600 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है डेली का, सुबह और शाम का मिला करके? सुबह शाम। तो कहाँ बेच रहे हैं सर आप? शहर जाता है पूरा। शहर जाता है? जो थोड़ा बहुत बचा तो ये शंकर गुप्ता हैं, उनको फैट में देते हैं। फैट में देते हैं। तो आपका कुछ काउंटर वाउंटर नहीं है? नहीं, काउंटर नहीं है अपना। तो लगभग शहर में आप फिर कितना दूध बेच देते हैं? शहर में वही 2000 करीब। 2000 के करीब। 500-600 लीटर यहाँ शंकर फैट वाले को देते हैं। शंकर फैट वाले को? तो सर 2000 लीटर आपका शहर में जाता है, वो किस रेट से जाता है? वो अभी जा रहा है 62-63। 62-63। और ये जो फैट वाले भैया, इनमें क्या रेट लग जाता इनका है? अभी 7-10 रुपए चल रहा। अच्छा, 8 रुपए रहा। 8 रुपए पर फैट का? हाँ, अभी 7-10 चल रहा है। 7-10। लगभग कितना फैट आ जाता है? शाम का वही 8 से 8.5, सुबह का 7 से 7.5। तो लगभग कितना हुआ जाके? ये अभी तो समझ लो 50-55 इस रेट से पड़ता है फैट। तो नुकसान हो रहा है सर फिर? तो फैट में तो नुकसान है। तो सर क्या कुछ प्रॉफिट हो जाती है आपको, जैसे आप 2600 लीटर दूध बेचते हैं मार्केट में? अभी तो जैसे फैट में भी जा रहा, उसमें नुकसान हो रहा, फिर भी अपन को जो है कि महीने में 2-4 लाख आ जाते हैं। 4 लाख रुपए महीने का, मतलब साल का मेहनत करके? हाँ। लगभग सर आपने कितने लोगों को रोजगार दिया है? करीब अपने पास 40 से 50 वर्कर हैं। क्या बात है सर, मतलब 40-50 लोगों को आपने रोजगार भी दे रखा है आपके डेयरी फार्म से, उनका जो है चूल्हा जलता है। हाँ, ये कह सकते हैं। हाँ, और साल का आप 48 से 50 लाख रुपए कमा लेते हैं। कमा लेते हैं। तो सर भविष्य की क्या प्लानिंग है, आप क्या करना चाहेंगे? अभी भविष्य में तो हमें यही करना है, बहुत अच्छा काम है। जी जी हाँ। जैसे कुछ जबलपुर में जैसे गवर्नमेंट कुछ ध्यान ना दे रही हो, आपको कभी आपको गवर्नमेंट से कुछ लोन उनकी कुछ सुविधा मिली? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली है। अच्छा, जैसे गाड़ी आड़ी लेना है तो उसके लिए लोन ऑन हुआ है? तो सर गाड़ी का लोन तो मतलब गवर्नमेंट का लोन कुछ कोई सहयोग नहीं है? और कोई सहयोग नहीं, वो तो गाड़ी का लोन तो कंपनी वाले कर देते हैं और वो तो इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि यहाँ इतनी डेयरियां हैं। जी जी जी। तो उनके लिए कुछ विशेष रखना चाहिए, जैसे पानी बहता है उनके लिए वो बनवाना चाहिए टैंक, फिल्टर हो पानी। फिल्टर हो पानी, सही बात है, पानी फिर से यूज में आए। फिर से यूज में आए। और क्या लगता है आपको सर, क्या सुधार होना चाहिए डेयरी फार्मिंग में? अब अपने यहाँ से विदेश तक दूध जाता है। बिल्कुल सही बात है, तो उनको ध्यान देना चाहिए। जो आपके सर पशु बीमार बीमार हो जाते हैं तो आपके प्राइवेट वेटनरी ही आते हैं कि सरकारियों का भी कुछ योगदान? नहीं नहीं, प्राइवेट लाना पड़ता है। अच्छा हाँ, मतलब सर मुझे भी यहाँ भी आके थोड़ा बुरा लगता है, जैसे यहाँ डेयरी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है अगर देखा जाए, बट यहाँ के जो गवर्नमेंट है उसका कोई लगाव नहीं है, कोई रुझान नहीं है कि डेयरी किसानों को ऊपर उठाए। हाँ। बस जो यहाँ के डेयरी किसान है बेचारे मतलब खुद से मेहनत करके कमा रहे हैं। खुद से मेहनत करके जूझना पड़ता है। जूझना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है।
तब जाके मतलब लोगों के घर पे अच्छा दूध पहुंचता है, जैसे इस मिलावट भरी दुनिया में आप स्वच्छ और अच्छा दूध घरों तक पहुंचाते हैं। और सर आप अपने डेयरी में क्या क्या बातों का ध्यान रखते हैं अन्य डेयरी फार्मर की तुलना में? साफ सफाई रहे जी। इस समय डेयरी फार्म जो नए साथी करना चाहते हैं उनके लिए कैसा व्यवसाय है? बहुत बढ़िया है। किन किन बातों का ध्यान रखें सर जो नया किसान साथी शुरू करे? खुद लगन से काम करें, साथ में देख रख रखाव करें जी, और लगा हुआ काम है बिल्कुल इसमें लगे रहो। अच्छा, ये काम नहीं है कि कर दिए छोड़ दिए नौकरों के भरोसे, खुद लगना पड़ता है। जैसे मैं देख रहा था सुबह आया तो आप लेके सटे सारी भैंसों को खिला रहे थे, खुद लगना पड़ता है, खुद से लड़ना पड़ता है अपने व्यवसाय में। और थोड़ा सा बताइए सर मेन जानकारी, जैसे टाइम से भैंसों का गाभिन होना जी, ये अपन को देखना पड़ता है कि टाइम से, जैसे कोई भैंस भी आई 3 महीने के अंदर उसको उठ जाना चाहिए। अच्छा, 3 महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर। अच्छा, नहीं तो फिर उसमें लॉस है, ज्यादा खिलाना पड़ता है बाकड़ी में। बाकड़ी सही बात है, फिर वो बाहर से आपको खिलाना है तो आपको जो भैंस दूध दे रही है उनके ऊपर लोड बढ़ेगा। इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए, सब बातों का ध्यान रखना। अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने समय निकाल कर जो आपका डेयरी फार्मिंग का अनुभव है वो बताया। ठीक।